एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो यहाँ तक ब्लॉग में आपके साथ शेयर कर चुकी थी, कल हमने डिनर में बनाया था मटर पनीर और फिर बनाया था चूल्हे पे, क्योंकि आजकल सर्दियों का मौसम है तो चूल्हे पे आग भी सेक लेते हैं और साथ में अगर सब्जी वब्जी बन जाए तो थोड़ी सी गैस की भी बचत हो जाती है। तो डिनर वगैरह खाया हमने यहीं पर बैठ के। हीटर की बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है, मतलब हीटर से ना बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है, तो शाम को बस ये थोड़ा बहुत ही किया होता है मैंने। फिर अच्छे से सुबह ही समेटती हूँ क्योंकि सैटरडे था ना एक्चुअली। और फिर होता ही है कि भाई अच्छा आराम से खाते पीते हैं, गप्पे शप्पे करते हैं क्योंकि सुबह बहुत जल्दी उठना नहीं होता है ना। फिर सुबह उठते ही संडे की जो रूटीन होती है बहुत बिजी रहती है। यहाँ पे मैं कपड़े डाल रही थी, सारे छांट के रख दिए पहले सोफ़े पे, फिर डाल दिए वो ऑटोमेटिक मशीन में कुछ एक कपड़े जो हाथ से धुलने वाले, जैसे कफ वगैरह कॉलर होते हैं, तो वो फिर भिगोने के लिए डाल दिए। पहले उनको अच्छे से वॉश कर लेंगे फिर उसके बाद डालेंगे मशीन में। इसके अलावा धूप लगी हुई थी अच्छी खासी, तो फिर मैंने जितनी भी जो रजाइयाँ वगैरह थी सब डाल दी बाहर धूप में, और फिर बाद में कपड़े डालने थे तो फिर मैं क्या पहले इसी शिफ्ट को धूप लगा लेते हैं। यहाँ पर जो कपड़े डिप किए हुए थे ना वो लेकर के आ गए, धूप में बैठ करके इनको आराम से इनके कफ कॉलर जो है ना वो साफ़ करेंगे। तो हम मिल के काम कर रहे हैं, कुछ एक काम पतिदेव को डिवाइड कर दिए हैं, कुछ एक आज बच्चों से भी काम निकलवाऊंगी क्योंकि उनको भी घर के कामों में इन्वॉल्व करना चाहिए, तभी वो कुछ सीखते हैं। तो फिर यहाँ पर शानू मिट्टू को मैंने टास्क दिया था कि वो अपने कमरे को समेटेंगे, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं ना, खाते हैं जैसे चिप्स के पैकेट हो गया कुछ भी, वो सारे बेड के अंदर और साथ में कागज़ फाड़ते रहते हैं। हमारे रूम में भी ऐसा ही और अपने रूम में भी ऐसा ही। तो फिर यहाँ पे देखिए जो शानवी ने क्या किया था कि एक के बाद एक ड्रेस ट्राई, कहीं पर भी फंक्शन लगा नहीं कि इनको चल पड़ता है कि अच्छा हम क्या पहनेंगे, तो उस तरह से ट्राई करने लग जाते हैं यहाँ पे। फिर वो जो भी कपड़े उसने फैलाए होते हैं ना वो सारे मैंने समेट के रख दिए, जो मतलब सब ये जो अलमीरा है ना तो ये मैंने अलग अलग हिसाब से बांटी हुई है कि एक साइड को मेरे कपड़े रहेंगे, एक में बच्चों के और एक में फिर बीच में पतिदेव के, तो उस तरह से जमाए हुए हैं। और यहाँ पर मिट्ठू को कुछ मिल नहीं रहा है, शायद जूते या अपनी चप्पलों का जो भी था ना वो उसको अच्छे से अरेंज कर रहा है। टास्क दिया था भाई कंप्लीट तो ये करेंगे ही अच्छी तरह से, और इन्हीं छोटी छोटी बातों से ना बच्चों को फिर हैबिट भी बनती है। मतलब ना एक बच्चों को सेपरेट रूम दे देना चाहिए, चाहे सुलाना है आपने सेपरेटली चाहे से नहीं भी, लेकिन ये होता है कि उनके माइंड में ही रहता है कि अच्छा ये हमारा कमरा है, हमने इसको सेट करके रखना है, फिर अपने हर एक चीज़ को मतलब उसी हिसाब से अरेंज करके रखेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर जी बहुत ज़्यादा मतलब हड़बड़ी मची हुई है कि हर कोई अपने ही अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी है और अच्छी तरह से अपने अपनी चीज़ों को समेट भी रहा है। तो फिर ये देखिए यहाँ से निकले जी इनके कागज़, फाड़े हुए कागजों के बंबार। मैंने क्या कर रखा है ना, जो बेड है ना इनके, तो पीछे भी थोड़ी सी जगह छोड़ी हुई है झाड़ू मारने के लिए, साइडों में भी और इस साइड जहाँ मैं लगा रही हूँ तो यहाँ तो है ही है। और बाकी जो ये हमने अलमीरा जैसी बना रखी है ना इसके साथ बेड के साथ अटैच, तो इसके नीचे भी काफ़ी स्पेस है, तो बड़ी ईजिली आप सब कचड़ा वचड़ा जो कुछ भी होता है तो वो निकल जाता है। अच्छा तो ये रही साफ सफाई की बात। बच्चों को लग रही थी भूख, ब्रेकफास्ट में मैंने इनको रोटी खिला दी थी, हमारा फेवरेट है मुच्छू रोटी, मतलब दूध के साथ जब इंस्टेंटली भूख लग रही हो ना तो वो वाला काम हम करते हैं, और मेरे बच्चों को पसंद भी है। हाँ ज़्यादा बोर भी नहीं करना पड़ता किसी एक चीज़ से ही बच्चों को। और फिर आज डिमांड थी पतिदेव की कि भाई आलू के परांठे बहुत दिनों से खाए ही नहीं है, और बच्चों की भी कि भाई आज आलू के ही परांठे बनने चाहिए। तो फिर यहाँ पे डाले हुए थे आलू उबलने के लिए, आलू उबल चुके थे, आटा मैंने गूंद करके रख दिया। आज मल्टी ग्रेन के साथ एक्सपेरिमेंट चल रहा है, तो कैसा रहा हमारा एक्सपेरिमेंट वो भी मैं आपको आगे बताती हूँ। तो यहाँ पर फटाफट से पहले तो आलू को छील करके मैश कर दिया मैंने, और हरा धनिया था वो डाल दिया मैंने इसमें, मेथी भी होती ना तो और भी मज़ा आ जाता, चाहे से हरी वाली जो होती है वो वाली, चाहे चलो कोई नहीं जो कुछ भी है, तो वो मैंने हरी मिर्च साथ में अदरक और हरा धनिया ये सब चीज़ें काट पीट के, और प्याज खूब सारे, आलू के परांठे में ना प्याज बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा हल्दी मैंने इसमें नहीं ऐड की, थोड़ा सा मैंने ये गरम मसाला ऐड किया और थोड़ी सी काली मिर्च ऐड की, थोड़ी सी लाल मिर्च क्योंकि मैंने हरी भी काटी हुई थी, थोड़ा सा ये चाट मसाला डाला क्योंकि बच्चों को ना थोड़ा सा मतलब इसमें हल्की सी खटास भी होती है तो ये बड़े अच्छा सा लगता है, तो ये मैंने डाला, अच्छे तरह से मिक्स किया। लेकिन एक चीज़ को मैं भूल गई जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, सब कुछ डाल लो आप नमक ना डालो कुछ भी स्वाद नहीं आने वाला, तो फटाफट से नमक ऐड किया और ये देखिए जैसे वो आलू चने वाले बना देते हैं ना एक रोल जैसा, तो उस तरह सब बना दिया। और मेरे को ना ज़्यादातर नाइफ़ की हेल्प से ही
ये मतलब जब मैं भरूंगी ना इसमें रोटी में तो ये अच्छा लगता है, मतलब एक हैबिट जैसी है मुझे, तो यही लगा दिया मैंने इधर। बाकी अब चल पड़ी जी परांठे बनाने की तैयारी। तो सारा कुछ मैंने यहाँ पे सजा दिया, तवा लगा दिया गैस पे, और ये देखिए ये जो रोटी है ना, मतलब जो मल्टीग्रेन वाला आटा है, तो जैसे मक्की का आटा होता है ना, तो उस तरह से मतलब ये गूंथता है एक तरह से। तो मैंने क्या किया था कि थोड़ा सा इसमें गेहूं का आटा भी डाल दिया था, तब ये मतलब सही से हो पा रहा है, अदरवाइज़ फिर ना अच्छे से मतलब फील नहीं होना था जो मैंने ये आलू का मिक्सचर बनाया हुआ है। पर चलिए परांठे बहुत टेस्टी बने थे, और मल्टीग्रेन वैसे टेस्टी होता है आटा भी, और थोड़ा गर्म तासीर का होता है शायद, ऐसा मैंने फील किया। और बाकी अभी फटाफट से बनने लग गए जी परांठे, तो मैं बनाने जा रही हूँ देसी घी में ही। तो देसी घी मैंने डाल दिया यहाँ पे कटोरी में, और क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा सख्त था ना कि निकालना भी बड़ी मुश्किल से, तो मैंने इसको पहले गैस पे थोड़ा सा गर्म कर लिया और फिर फटाफट से और साइड में ही रख दिया ना, तो अब ये गर्म ही रहेगा, मतलब कि लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा, गर्मी यहाँ तक जाती रहेगी। तो बस फिर अब फटाफट से बनाते हैं परांठे। और ये वाला जो आटा है ना मल्टीग्रेन वाला, जैसे मैं बता रही हूँ कि भाई मक्की वाले आटे की तरह होता है, तो थोड़ा सा घी भी ये ज़्यादा सोखता है, शायद परांठे तभी इतने ज़्यादा टेस्टी हुए थे, खूब टेस्टी परांठे बने थे। तो बस जी करारे करारे परांठे मैंने बनाए, जिसको खाने हैं उनको दे दिए, और गर्मा गर्म मतलब बच्चे खा रहे थे, यहीं से उठा करके लेके जा रहे थे। इसके बाद मेरा आया ये पार्सल, जिसका मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी, क्या है इसमें वो मैं आगे आपको ये आज बताऊंगी। कपड़ों की हो रही है धुलाई, धुलाई मैंने कर दी है। ये देखो ये क्या देखो, जल्दी बोलो। मैं मिट्टू के मैंने बाल कटवाने हैं अभी ना, साफ आज तो अच्छी तरह किए होंगे क्योंकि मैंने पहले ही धो दिए थे, उसके बाद डाले मशीन में। तभी तो ये रुमाल इतने ज्यादा साफ, रुमाल नहीं किए भाई मैंने साफ। और देख ले शर्ट, देख ले व्हाइट वाली शर्ट, देख ले ये वॉर्मर दिखा दे रहा। ये देखो आज इसके झूठ में पकड़ता हूँ, ये देखो देखो कितनी साफ, ये देखो कितनी ज्यादा गंदी है, ये देखो इसमें कलर तो गया नहीं बेटे। कौन सा कलर है वो, मेरी तो सबसे ज्यादा गंदी होती है। ऐसा नहीं होता है, देखो धूप अच्छी खासी लगी हुई है, धूप का आनंद ले रहे हैं। नमस्ते मिठू, पैर छूते और शानू भी नमस्ते करती है। नमस्ते करो और पाँव भी छू ने मिठू ने, है ना, समझ आ गया ना। हाँ पहचान लिया शान भी, कौन है ये, पहचाना पहचाना, कौन कौन है, कौन है बता दी जल्दी से, तो पहचान तो लिया और बोल दी जल्दी से। पहचाना नहीं पहचाना इसने, इसने ये आपको बोलती है सोलन वाली नानी और रिन्नू को पहचानती है ये, रिन्नू को ऐसे पहचानती है, बोले मेरे को दो चोटियां जो करी हुई थी ना एक बार, वो बचपन में बड़ बड़ी हुई तभी बिट्टू रहे शादी से याद ये सो नहीं, ये पलकाया कुछ भी नहीं पढ़ाया, बांस छत दूजा जो पाया घास ना। अचानक से मेहमान आने से ना मजा ही आ जाता है गपशप करने का, तो हमने भी खूब सारी गपशप की लगभग एक आध घंटा, और बीच में मतलब मैंने ये थोड़ा सा अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले ही परांठे खाए थे, मतलब लंच किया था, तो मैं क्या इनके लिए भी लेकर के जाती हूँ, भला क्या बोलेंगे कैसा लगेगा इनको भी, तो मैं इनके लिए भी लेकर के गई। और बस फिर गपशप करके ये लोग निकल गए, क्योंकि ये आए हैं मेरी सिस्टर के उस फंक्शन के लिए, और बाकी इनके घर में भी एक फंक्शन होने वाला है, तो उसका भी इन्विटेशन देंगे और हमें भी दिया। बाकी फिर मैं भी यहाँ पे बना रही हूँ आईब्रो। एक्चुअली ना कैमरा मुझसे सही से सेट हुआ नहीं, मैंने मतलब स्टैंड पे लगाया हुआ था ना, तो अभी आपको मेरे बाल ही ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे और आईब्रो कैसे बन रही है वो नज़र नहीं आ रही होगी, अदरवाइज़ ना बहुत ही सिंपल तरीके से खुद ब खुद भी बन जाती है आईब्रो। ये देखिए बेड मैंने जमा दिए, और आज मेरे बच्चों को बहुत नींद आ रही है गहरी। हाँ आ रही है भाई गहरी नींद, वो देखो आंखें फड़फड़ा रही है बेटा, दिख रहा है इसमें कैमरा में दिख रहा है, कैसे चालू है ना, बहुत नींद आ रही है इनको आज ना, तो जैसे ही मैंने बेड जमाए उस वैसे ही फिर ये सो गए आ करके। पूरा दिन भर बहुत ज़्यादा नाटी करते हैं ये लोग ना, क्योंकि संडे है और मैं यहाँ हीटर के सामने बैठी हूँ,
चलो और ये रही मैं, जल्दी जल्दी मुझे वीडियो एडिट करना है, फिर उसके बाद जाऊंगी डिनर बनाने। अच्छा एक बात बताइए कि कैसी लगी आपको मेरी आईब्रो? ओहो चश्मा तो हटा दूं तभी तो पता चलेगा, ये चश्मा ना आईब्रोज को कवर कर लेता है। तो ये देखिए मैं पास से भी दिखाती हूँ, मतलब अच्छी बना लेती हूँ ना मैं खुद ही, अपने आप से ही, अपने हाथों से ही। थोड़ी सी माउंटेन शेप में मुझे अच्छी लगती है, तो उसी तरह की शेप में देती हूँ। और खुद जब बनाती हूँ ना तो बिल्कुल मोटी मोटी में रखती हूँ। पार्लर में जाते हैं ना तो वो क्या करते हैं कि चाहे आप जितना भी बोलो उनको कि मोटी मोटी रखना, लेकिन थोड़ा बहुत वो फिर ज़्यादा ही पतली कर देते हैं। फिर ना मतलब नेचुरली ही मोटी मोटी आईब्रो अच्छी लगती है ज़्यादा, मतलब उसमें कुछ भी फिर टचअप वगैरह, क्योंकि जैसे कैमरा के सामने ही आना होता है ना तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं रह जाती, और जो आ जाता है खुद से ही हो जाए काम, पैसे की भी बचत हो जाती है। 50 रुपये लगते हैं आईब्रो बनाने के, मतलब 50 रुपये भी मैंने बचा लिए। मैं ना बहुत ज़्यादा टाइम बीत जाता है ना, इतनी मोटी मोटी हो रखी होती है, इतनी बुरी लग रही होती है ना, तब भी मैं जाती नहीं, मतलब मार्केट जाना पड़ता है ना, पार्लर जाना पड़ेगा, फिर पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे। तो ये सारी झंझटों से बचने के लिए मैं क्या करती हूँ कि मैं खुद से ही बना लेती हूँ जब मुझे ज़रूरत महसूस होती है। ऐसे मतलब उतनी ज़्यादा घिचपिच वाली आईब्रो है नहीं ना मेरी, बस थोड़ा थोड़ा सा यहाँ यहाँ से निकालने होते हैं बाल, थोड़ा थोड़ा यहाँ यहाँ से, बाकी बस हो जाता है। तो फिर जैसे फंक्शन फंक्शन होते हैं ना तभी मेरे को याद आती है, अदरवाइज़ मैं इतना मतलब रखती नहीं, मैं नहीं बनाती। मुझे बहुत बार लिख भी देते हैं कमेंट सेक्शन में कि भाई आईब्रो तो बना लिया करो, तो चलिए हो जाता है ऐसा भी। और बस फिर आज के ब्लॉग को भी मैं कर रही हूँ यहीं पे एंड, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, ओके बाय बाय, गुड नाइट।